हेलो फ्रेंड, आज हम लोग गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? कहता है कि जब हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस युक्ति के द्वारा हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, राइट। डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी इज चेंज इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह ध्यान में रखना कि जिस डिवाइस के द्वारा हम लोग केमिकल एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में, केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे। अब यहाँ पर याद रखना कि यह रिडॉक्स रिएक्शन, यही इसी के अंतर्गत रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, अर्थात ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन, दोनों रिएक्शन एक साथ हो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो कि यह एक गैल्वेनिक सेल हमने तैयार किया, यह एक सेल लिए सेपरेट अलग अलग कंपार्टमेंट तैयार किया, एक एनोड कंपार्टमेंट और दूसरा कैथोड कंपार्टमेंट। एनोड को हम लोग निगेटिव टर्मिनल कहते हैं और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाएगा, यह ध्यान में रखना है ना। एनोड में हमारा ऑक्सीडेशन होगा, साथ में कैथोड में रिडक्शन होती है ना। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक कॉपर वोल्टमीटर लिए और एक कॉपर वोल्टमीटर और एक जिंक वोल्टमीटर लिया। कॉपर वोल्टमीटर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया गया और जिंक वोल्टमीटर में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डाल दिया गया और इन दोनों को यह साल्ट ब्रिज के द्वारा ऐड कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज में आपका याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड ETC के साथ साथ जिलेटिन और अगर अगर यह जेल या पेस्ट के रूप में होता है। साल्ट ब्रिज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जेल और पेस्ट रखेगा जिलेटिन और अगर अगर के साथ, यह हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर देखो जब हमने यह दोनों एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट को एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया रहता है, साथ में एक मेटल है दोनों के अंतर्गत, यह हमारा इस मेटल में जिंक जाकर निकलेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक जो होगा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक यहाँ पर जेड दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक कैटायन बना दिया, यह हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। तब यह हमारा ऑक्सीडेशन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलती है वह मूव करेगी एनोड से कैथोड की ओर, मूव करते जा रही है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर देखना है कैथोड में जो होता है हमारा रिडक्शन होता है, यानी कि कॉपर जो होगा इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा कॉपर आयन और वह हमारा कॉपर मेटल बना लेगा। यह हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 हो गया या रिडक्शन हो गया। इस तरह ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों जिस रिएक्शन में हो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देखो इसमें आ जाओ, कहता है कि 2/2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ होगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 सेपरेट कंपार्टमेंट में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट, दो अलग अलग भागों में हो रही है, जिसे हम लोग हाफ सेल के नाम जानते हैं। ईच हाफ सेल कंटेन ए मेटल रड, या मेटल रड हो गया, क्या रखेगा, कंटेन मेटल रड इन टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग आयन्स ऑफ द सेम मेटल और कनेक्टेड थ्रू साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड, जब इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट कर देते हैं थ्रू ए मेटेलिक वायर से, द इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम 1/2 सेल टू अनदर हाफ सेल। ठीक है, कहता है यहाँ ध्यान से समझ लो, कहता है कि जब हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जिस युक्ति के द्वारा बदलते हैं उस युक्ति को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है, याद रखना, तो जिसमें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रियाएं और अवकरण अर्ध अभिक्रियाएं दो अलग अलग भागों में होती है, जिसे अर्ध सेल के नाम से जानते हैं। प्रत्येक अर्ध सेल जो होता है एक मेटल रड रखता है, दोनों में एक मेटल रड है और वह सेम मेटल का रखेगा, ध्यान रखना आयन के सेम मेटल का, और दोनों हाफ सेल को हम लोग वायर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। जब इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से, ध्यान रखो, इलेक्ट्रिक करंट कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगी, तो कब मूव करेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाएगी। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने योग्य बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की ओर क्यों जाएगी, अच्छा क्यों जा रही भाई, यहाँ देखो कह रहा कि जब हमारा हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसको कहेंगे, एनोड को, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर मूव करती है, ये भी ध्यान रखना, हाई से लो की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगी, अर्थात सेकेंडली आप बोल सकते हो कि लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से हायर रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करती है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मूव करेगा, और में बोल सकते हैं कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल में जाएगा। याद रखना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड से कैथोड की ओर क्यों जाती है, यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगी हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ओर बहेगी, जिस तरह हमारा वाटर जो होता है हाई से लो की ओर मूव करता है, इसको नोट कर। अब यहाँ पर नोट में आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा अकर्स एट एनोड, यानी कि जिंक ने ऑक्सीडाइज किया जस्ता, जिंक दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके कैटायन ZN पर प्लस दो बना, जबकि रिडक्शन हाफ रिएक्शन जो होंगे वह हमारा कैथोड पर होंगे, अर्थात ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है एनोड की ओर होती है, जबकि अवकरण अर्ध अभिक्रियाएं कैथोड पर होती है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन करके वह मेटल में कन्वर्ट कर जाते हैं मेटल आयन। यही कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड मूव्स टुवर्ड्स कैथोड ना थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन जो मूव किए वह एक्सटर्नल सर्किट यानी कि बाहरी परिपथ के द्वारा है ना कैथोड की ओर मूव कर जाएंगे, चले जाएंगे। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स इंटर द कैथोड कंपार्टमेंट, जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड भाग में प्रवेश कर जाएंगे दे रिड्यूसेज मेटेलिक आयन टू मेटेलिक एटम। यहाँ पर देखिए यह कैथोड में यह इलेक्ट्रॉन आया और यह मेटेलिक आयन को मेटेलिक एटम में कन्वर्ट कर दिया। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड बिकॉज, क्यों मूव किया, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज ग्रेटर देन कैथोड। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब यहाँ देख लो फिगर के अंतर्गत जब हमने गैल्वेनिक सेल तैयार किया तो उसमें एक एनोड भाग तैयार किया और दूसरा में कैथोड भाग तैयार किया। एनोड के अंतर्गत आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के अंतर्गत रिडक्शन होता है। अब यह एनोड कंपार्टमेंट में यह ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन को निकालती है और यह इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के होते हुए यह हमारा कैथोड कंपार्टमेंट में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यह हमारा यहाँ पर कॉपर आयन, इसको तोड़ेंगे तो कॉपर आयन जो होंगे इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया इलेक्ट्रॉन जो है आपका एनोड से कैथोड की ओर क्यों मूव किया, तो इसलिए मूव किया क्योंकि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है
यह हमारा कैथोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से अधिक होती है। इस तरह इसको देख लो, नोट्स कर लो। इस तरह दोस्तों आज का वीडियो इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों को बैटरी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। बैटरी जिसे आप सेल भी कहते हैं, तो सेल है क्या आखिर? कहता है कि जब दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल को सीरीज में जोड़ देंगे, सीरीज में श्रेणी क्रम में लगातार हम जोड़ देंगे, तो उसे हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। सेल हमारे इसके तीन प्रकार कर दिया जाता है। जब गैल्वेनिक सेल को तीन भागों में डिवाइड कर दिया और वह हमारा सीरीज में जोड़ दिए, तो वह हमारा तीन प्रकार में तैयार होता है। पहला प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल और तीसरा हमारा फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेल वैसे सेल को कहा जाता है जो रिचार्जेबल नहीं हो, यानी कि जब हम इसमें करंट विद्युत धारा प्राथमिक सेल के अंतर्गत प्रवाहित करते हैं तो आपका चार्ज नहीं होगा और समय गुजरने के पश्चात उसका टाइम खत्म हो जाता है, फिर वह काम नहीं कर पाता है। जैसे आप जानते हो ड्राई सेल और डैनियल सेल, यह हमारा प्राथमिक सेल के अंतर्गत हो जाती है। और सेकेंडरी सेल की बात किया जाता है। अब सेकेंडरी सेल क्या है? सेकेंडरी सेल की बात जब करोगे तो वैसे सेल जो आपका करंट प्रवाहित करने पर रिचार्ज हो जाते हैं, जैसे आपका लेड स्टोरेज सेल हो गया, निकेल कैडमियम सेल हो गया, और भी बहुत सारे सेकेंडरी सेल में होते हैं जो आप देखते हो। आप सीधे जनरली देखना है तो मोबाइल उठा के देख लो, मोबाइल जब भी यूज करते हो तो उसको रिचार्ज करते रहते हो पर डे और समय लगातार यूज बार बार करते रहते हैं, इसलिए उसे हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं। फ्यूल सेल क्या है? थर्ड में आता है ईंधन सेल। कह रहा है कि वैसी युक्ति जिसमें हम लोग ऊर्जा को ईंधन के दहन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ईंधन के दहन। तो ईंधन में कौन कौन आप लोग? हाइड्रोजन ले लो, मीथेन ले लो, मिथेनॉल ले लो। इसे डायरेक्ट हम यह ईंधन को दहन कराएंगे, कम्बसन कराएंगे, तब वह ऊर्जा जो होगा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मुख्य आप देखते हो जब हम लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग गए हैं, तो उस केस में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल के रूप में यूज किया जाता है। इसके द्वारा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है उसमें विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देती ही देती है, साथ ही साथ उसके द्वारा वाटर भी बनता है जिसका यूज आप पीने में भी करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सेल क्या है, बैटरी क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड बैटरी। और टाइप्स ऑफ बैटरी क्या है? बैटरी के तीन प्रकार, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में आपको बताया गया कि दोज सेल विच कैन नॉट बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। कहता है कि वैसी सेल जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उसे रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, उसे हम प्राथमिक सेल कहते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम सेल जो होते हैं बिकम डेड हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग सम टाइम। जब इसे हम यूज कर लेते हैं तब यह क्या होता है, फिर दोबारा वर्क नहीं कर पाते हैं, डेड कर जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल ड्राई सेल और डैनियल सेल होते हैं। अब बात करते हो सेकेंडरी सेल का। करा कि सेल दोज सेल विच कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल एंड हेंस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना। और इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए तो बार बार रिचार्ज करते रह गए, और चार्ज करने के बाद इसे बार बार यूज करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब बात होती है फ्यूल सेल, ईंधन सेल। करें कि फ्यूल सेल आर द डिवाइस, वो डिवाइस है विच कन्वर्ट द इनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कम्बसन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल इत्यादि डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करा कि वैसी युक्ति जो आपका फ्यूल के कम्बसन के द्वारा डायरेक्ट एनर्जी उत्पन्न करती है ना, विद्युत एनर्जी में, उसे हम लोग फ्यूल सेल कहेंगे।
तो एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और दूसरा हो गया प्रोपेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, या इसको नोट्स कर लो। ड्राई सेल के बात करते हो तो ड्राई सेल में देख लो क्या होता है, एक जिंक कंटेनर होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। इसके बाद जिंक कंटेनर जो होता है वह हमारा एनोड का व्यवहार करेगा, और यह एक हमारा ग्रेफाइट रड होता है जो आपका ग्रेफाइट रड जो होगा कैथोड का व्यवहार करेगा। अब यहाँ पर देख लो कि दोनों के बीच, यह जिंक कंटेनर और यह हमारा ग्रेफाइट रड के बीच जो हमारा जो भरा जाता है पेस्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से भर दिया जाता है पेस्ट से, और यह जो होता है इसको सेपरेट किया जाता है मसलिन बैग के द्वारा, और साथ ही साथ जो हमारा ग्रेफाइट रड के चारों ओर जो भरते हो वह मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भर दिया जाता है पाउडर रूप में, ठीक है। तब जाके हमारा सिलेंड्रिकल या हमारा ड्राई सेल या लेकलांसे का सेल तैयार हो जाता है। तो देखो हमने कैसे लिखा है, कहता कि ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर विच एक्स एज एनोड। ड्राई सेल जो है यह हमारा सिलेंड्रिकल जिंक कंटेनर को रखा जो हमारा एनोड का व्यवहार करेगा। फिर कह रहा है कि एक ग्रेफाइट रड इज प्लेस्ड इन द सेंटर एक्स एज कैथोड, या ग्रेफाइट रड को हम सेंटर में रखा जाता है जो हमारा कैथोड का व्यवहार करेगा। द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड को टाइटली पैक्ड कर दिया जाता है सो डेट ताकि जिंक कंटेनर इज इन टच विथ द पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। कहता है कि इनके स्पेस को भर दिया गया पेस्ट से, टाइटली पैक कर दिया गया है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड से, और ग्रेफाइट रड इज सराउंडेड बाय पाउडर मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन से। ग्रेफाइट रड को हम मेटल कैप के द्वारा फिट कर देते हैं फिटेड, एंड सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज सील्ड, सिलेंडर को सील्ड किया गया एट द टॉप विथ द पीच और जिंक कंटेनर को हम कवर्ड कर दिया कार्डबोर्ड के द्वारा, या कार्डबोर्ड लगा दिया जाता है, कार्डबोर्ड से ढक दिया जाता है ताकि यह प्रोटेक्ट हो सके किससे, फ्रॉम एटमोस्फेयर से, है ना, वायुमंडलीय एयर से, रिएक्शन से बच सके। अब यहाँ पर रिएक्शन देखो, जिंक जो है जिंक कंटेनर इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में होता है, वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करेगा लॉस करेगा तो जिंक आयन में बदल जाएगा, यह सॉलिड था तो अब यह एक्वस हो गया। फिर अमोनियम क्लोराइड टूट करेगा तो अमोनियम आयन में बढ़ जाएगा, जो अमोनियम आयन जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यह हमारा मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बनाया, साथ में अमोनिया बनाया और वाटर बना दिया, ओवरऑल रिएक्शन जो गया नेट सेल रिएक्शन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे इतना से और इतना का ऐड कर दिया गया इक्वेशन को, फिर इधर हमारा आरएचएस में जिंक आयन है, फिर Mn2O3 हो गया और साथ में अमोनिया हो गया और वाटर हो गया। अब यदि याद रखो कि ड्राई सेल का जो अप्रोक्स जो होता है वोल्टेज रेंज 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है, ध्यान रखना, फिर सब समझा जाएगा। ड्राई सेल में जिंक कंटेनर होता है जो एनोड का व्यवहार करेगा, या हमारे इसके सेंटर में ग्रेफाइट रड होता है जो कैथोड का व्यवहार करेगा। ग्रेफाइट रड और जिंक एनोड के बीच यह जो पेस्ट भर दिया गया अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर देता है। इसके बाद ग्रेफाइट रड के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पाउडर भर दिया जाता है, फिर इसको सील कर दिया जाता है मेटल कैप से और यह पीच से। इसके बाद जो यह हमारा ग्रिफ जिंक कंटेनर है इसको कार्डबोर्ड के द्वारा कवर कर दिया जाता है ताकि एटमॉस्फेयर के प्रभाव से बचाया जा सके। इस तरह दोस्तों इसको नोट्स कर लो, अगले दिन आप लोगों को सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज सेल के बारे में बताया जाएगा।